तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल के पी एम फैंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युगांडा मैंस कबड्डी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का इकतीसवा मैच जो कि खेला जाएगा स्टार पायरेट्स वर्सेज सुपीरियर क्लब के बीच में अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी आपका भाई आपको इस वीडियो में देने वाला है तो वीडियो को है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और भाई इकतीसवा मैच आ गए इकतीसवा मैच अभी होगा आज बाकी तीस मैच कंप्लीट हो चुके हैं तीस मैच में से आपको मैंने यहां पर चौबीस मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप दिए भाई पूरे युगंडा मैंस कबड्डी लीग के ठीक है और इसमें जो बचे छः मैच है ना उसमें भाई दो मैच तो मैंने कवर नहीं किया और बाकी चार मैच में एक मैच हमारा बिल्कुल लॉस गया था तीन मैच हमारे एवरेज गए थे यानी कि आप देख सकते हो रिजल्ट किस लेवल का चल रहा है और आज के मैच में भाई चालीस लाख रुपये की जी आपके लिए लगी हुई है एक भाई यहाँ पर आप देख सकते हो पच्चीस लाख रुपये की जी एल पर लगी हुई है मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई देखिए यहाँ पर है ना आप काफ़ी अच्छी जीएल में रैंक ला सकते हो वहीं अगर बात करें भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तो इस मैच की आपको है ना मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी टीम विन करेगी कौन सी टीम हारेगी और उसी के हिसाब से आपको टीम बनानी है ठीक है तो यहाँ पर भाई जो स्टार पायरेट्स की टीम है ना नाइन्टी चांस है कि यही टीम जीतेगी नाइन्टी बोल रहा हूँ भाई मैं आप, आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा हाई चांसेज है ठीक है स्टार पायलट्स की टीम भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टीम है अब अगर यहाँ पर भाई बात करें इनके जो दो मेन प्लेयर हैं उनकी बात करेंगे इसके अलावा भाई यहाँ पर बाकी देखिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चार तीन या फिर पाँच दो जो जो भी रेशियो पॉसिबल हो ना वो स्टार पायरेट्स के फेवर में बना के चलो अब अगर बात करें भाई यहाँ पर दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन की तो सबसे पहले स्टार पायरेट्स की स्टार्टिंग सेवन देख लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूँ भाई जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा तो टेलीग्राम अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए भाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तो जाइए भाई अभी के अभी पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अब अगर बात करें भाई यहाँ पर स्टार पायरेट्स की तो इनकी तरफ से भाई एच मांगा आपको दिखेंगे जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं लास्ट के दो मैचों में थोड़ी सी एवरेज परफॉर्मेंस है अदरवाइज स्टार्टिंग से लेकर अब तक लगातार परफॉर्मेंस बेहतरीन ही रही है तो यहाँ पर भाई एच ससेवा को आप अपनी टीम में रख सकते हो जेल आयो की बात करेंगे तो जेल आयो भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर है बीच बीच में काफी मैच इन्होंने खेले नहीं है इसके अलावा जैकी बूका की बात करें तो लास्ट के दो मैच इन्होंने भी नहीं खेले बाकी अगर खेलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है ठीक है बाकी बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर इनका मेन प्लेयर आते हैं जो एस काटाम्बा है ना भाई ये इनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ठीक है एक और भी प्लेयर इनका उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर भाई इनकी परफॉर्मेंस आप देखो आठ टैकल पॉइंट पंद्रह टच पॉइंट मतलब चार बोनस और ग्यारह टच और पन, मतलब टोटल पंद्रह रेड पॉइंट और आठ टैकल पॉइंट भाई आप समझ रहे हो परफॉर्मेंस किस लेवल की चल रही है बंदे की यार यहाँ पर आप देखिए भाई बाईस बाई यहाँ पर इन्होंने रेड पॉइंट लिए सात टैकल पॉइंट लिए लगातार मतलब बंदा कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है आप यहाँ पर खुद देख सकते हो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई देखिए बीस यहाँ पर इन्होंने रेड पॉइंट निकाले और दो यहाँ पर टैकल पॉइंट निकाले मतलब रेड भी कर रहा है डिफेंस भी कर रहा है हर तरीके से आपके लिए काम करके देगा इवन भाई कैप्टनसी और वी का भी बहुत अच्छा दावेदार रहेगा आर रूबेगा की बात करें तो इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो बात करेंगे भाई यहाँ पर जो रेडिंग सेक्शन है यहाँ पर डी मुला लीरा की तो ये तो भाई और भी अलग लेवल पे चल रहा है ठीक है ये बंदा तो मतलब रोके से भी नहीं रुक रहा बहुत ही खतरनाक खेल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो हर मैचिंग परफॉर्मेंस देखो यहाँ पर 300 पॉइंट दिए यहाँ पर 200 चौरान में यहाँ पर 200 सौरशेट 200 व्यालिस 200 25 300 24 और दो तिरासी ठीक है तो मतलब लगातार खतरनाक पे खतरनाक परफॉर्मेंस बंदा करता आ रहा है यहाँ पर आप देखिए कितने कितने बाईस टच पॉइंट यहाँ पर चार टैकल कर दिए ठीक है और तीन यहाँ पर इन्होंने बोनस यानी कि टोटल पच्चीस रेड पॉइंट चार टैकल पॉइंट हर तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें सोलोमन डोमिनिक ओलाल की तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रह सकता है मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ठीक है वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर अब सामने वाली टीम की यानी कि भाई सुपीरियर क्लब की तो वो भी एक बार देख लेते हैं उनकी तरफ से कौन कौन से प्लेयर हमें लेने हैं रेडिंग की अगर यहाँ से बात करें तो आर्थ सेगमेंट आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर हो सकते हैं क्यों क्योंकि भाई लगातार बीच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर हुसैन मुतेबी की तो ये भाई आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा मेरे हिसाब से तो आपके लिए मस्ट पिक यहाँ से होना ही होना चाहिए वहीं अगर बात करें भाई इसके अलावा तो और तो रेडिंग में मेरे को कोई अच्छा प्लेयर दिखा नहीं ऑलराउंडर सेक्शन में भी इनके पास कोई बेहतरीन प्लेयर नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर एफ के, आ, किटाकूले हैं इनकी तरफ से जो कि भाई बिल्कुल आप मान सकते हो कि नॉर्मल से भी नॉर्मल परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं आ जाते हैं भाई डिफेंस में तो यहाँ पर इनके पास प्लेयर है इनोसेंट नगर बिनो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर तो डिफेंस में है बट टीम का सबसे मेन रेडर है भाई ये ठीक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा लगातार हर मैच में भाई सुपर टेन कंप्लीट कर रहा है अपना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एस गोम की बात करें तो एस गोम भाई अब धीरे धीरे फॉर्म में वापस आने लगा है यहां पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो दो टैकल इन्होंने भी किए और यहां पर टच पॉइंट भी निकाले अब लगातार भाई अच्छी फॉर्म में वापसी कर रहा है एस गोम ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में भी आपके भाई ने ट्राई किया था सिर्फ उन्नीस परसेंट सेलेक्शन था और एक तरफा विनिंग बंदे ने करवाई थी उससे पिछले वाले मैच में भी लगातार भाई मैंने तो स्टार्टिंग से ही ट्राई किया था फिर बीच में यहाँ पर एक मैच खेला नहीं और यहाँ पर मैंने ट्राई नहीं किया और एक मैच मैंने यहाँ पर ट्राई नहीं किया था बस ये तीन मैच छोड़े हैं इसके अलावा यहाँ पर मैंने ट्राई किया उसके बाद भाई यहाँ से दो फिर बीस फिर उन्नीस यानी कि लगातार आपका भाई भरोसा दिखाता गया बड़े प्लेयर पर ये भाई चल के भी हमें अब दे रहा है

फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना जा जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो वो लिंक आव, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको भाई फाइनल टीम हमारी मिलने वाली है ठीक है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा अब यहाँ पर अगर बात करें तो आई निगरमाना को हम अपनी टीम में रखेंगे एस ससो मांगा को अपनी टीम में रखेंगे इसके अलावा जेल आयो को आप अपनी टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो मैं अभी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा आ जाते ऑलराउंडर सेक्शन में तो नो डाउट भाई एस कटाम्बा पिक हो जाएगा आर लुबेगा पिक हो जाएगा इसके अलावा भाई नीचे अगर आप चलोगे यहाँ से जो रीडिंग सेक्शन है यहाँ से अगर बात करें तो डी मुला मास्टर पिक है हंड्रेड एंड वन परसेंट मास्टर पिक हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर अगर बात करें इनके अलावा कौन इम्पोर्टेंट रहेगा इनके अलावा भाई देखिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से एच मुटेबी को अपनी टीम में रखिए बट अगर फिर आप एच मुटेबी को रख रहे हो तो ना तो आपको चार तीन का रेशो लेके जाना पड़ेगा बाकी हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पर डोमिनिक ओलाल को ट्राई कर सकते हो जिससे आपको मतलब यहाँ पर रेशो जो है ना वो थोड़ा नॉर्मली रखना पड़ेगा मतलब पाँच दो का हो जाएगा तो अगर ये बड़े मार्जिन से जीतते हैं ना तो चार तीन के रेशियो में आपको नुकसान है क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए जो भी टीम सामने वाली टीम को ऑल आउट देती है ना तो उनके भाई माइनस चार् पॉइंट आपको मिलेंगे माइनस चार पॉइंट आपके लगेंगे पर प्लेयर के हिसाब से यानी कि हमने तीन प्लेयर यहाँ से लिए तो हर बार जब ये ऑल आउट होगी तो बारह पॉइंट यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से भाई हमें आठ पॉइंट मिलते हैं एक प्लेयर के साथ ठीक है यानी कि भाई हमें बत्तीस पॉइंट मिलेंगे और अगर हमारे पास पाँच प्लेयर होंगे तो हमें चालीस पॉइंट मिलेंगे और यहाँ पर भी हमारे माइनस आठ पॉइंट लगेंगे और यहाँ पर अदरवाइज बारह पॉइंट लगेंगे ठीक है तो ये ये काफ़ी चीज़ें जो कुछ मैटर करती है सी की अगर बात करें तो डी मुला को भी आप सी कर सकते हो बाकी दोनों ही प्लेयर अच्छे चल रहे हैं और अभी के लिए भाई मैं इन दोनों को ही सी बी स्मॉल लीग में तो भाई यही सी बी रहेंगे जी की बात करें तो वहाँ पर भाई आप आई निगरबानों को ट्राई कर सकते हो ठीक है अभी के लिए मैं और किसी को तो सी बी सी के तौर पर ट्राई नहीं करने वाला टीम के अगर प्रिव्यू की बात करें तो वो आपके सामने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है बाकी अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है कुछ भी अपडेट करनी हुई तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैं इस टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम